ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये। ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? संत मत प्रकाश भाग, महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहाँ सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्सर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बिगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्सर है वो परब्रह्म है, नी अक्सर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्सर है वो ब्रह्म है, अक्सर ब्रह्म है और नी अक्सर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें ये मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक, अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पृष्ठ पे, ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। आगे देखना, फिर क्या बताता है इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पेंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पेंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे दो अक्षर हैं जो पारब्रह्म है, देखिए तो पारब्रह्म ही दो अक्षर थे। इसके विषय में, इन दो अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़्या पंडित बिन दोई अक्षर दोई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़्या पंडित बिन दो अक्षर दोई नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये अर्थ क्या है, वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़्या पंडित बिन दोय अक्षर दोय नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये दो अक्षर नहीं पढ़े, दो नाव नहीं पढ़े, तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़ने के हैं, ये नौके पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, कहते हैं
यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अखर दोए भाग होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि दो अक्षर बोलन के हैं वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको, भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख, इन दोनों अक्षरों का जाप कर, एक ओम है एक दूसरा तत् है जिसको सतनाम प्राप्त है, वो दो अक्षर का सतनाम है। इन दो अक्षरों का देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहाँ भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है जो आदि नाम है वो मन में वसे, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले, तो नानक होत निहाल इन दो अक्षर से न्यारा, यू आदि नाम एक मंत्र है जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेब स्यम्रत सब सासत, इन पड्डा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जप है तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहिब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है गुरु से प्राप्त करके, ये नो कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पारब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है श्रावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा के मिलेगा, हमारे पास है भूत बने पास है शिव दाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे श्रावण सिंह, संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, 102 पृष्ठ पे 106-107 पे कहता कि सतनाम असली राम है, और यहाँ कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब यहाँ क्या कहते हैं, अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है, ये देखो सतनाम में, सतलोक में जा रही है सतनाम में, हरिया सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द, जहाँ से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द, आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे, और ये पांचा बगाटा जोड़ रही, अन्यों का वो दो अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में, और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर दो भाग, एक बोल इनका जाप कर, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी, ना इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे, पुण्यात्मो इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा, उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है, कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो दो अक्षर का जाप करते थे, देखिएगा, ये है सबतों वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, सबतों वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक है, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है,
सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवार सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है और समंदर दी साखी ये चैप्टर है। समंदर दी साखी हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच यानी बाला संधु बोला उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ दो भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दा ने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी ने किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना अखी मीटो ता अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए ते आप आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पए जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण ता मर्दाना ने विचार कीती के गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गुत्ते खावण ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना गुरु दे बचना पर चलना चाहिए तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये दो अक्षर का मंत्र जाप क्या करते? इट इज सतनाम अपने आत्माओं। ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती हिंदी दिखाता हूँ, हिंदी अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है। देखिएगा इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है। इसमें पंजे साहिब दस पादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहाँ से छपी है। ये यहाँ से छपी है बाजार माइया सेवा अमृतसर। ये फोन फैक्स नंबर ही है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए समुंदर दी साखी पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समुंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ।
हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर टू अक्षर, टू वर्ड, ये है वह दो अक्षर, क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपुन आत्माओं, किसी को ये पता लग भी जाए, लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यहाँ क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कह कबीर अखर दो भाक, बोलो जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहाँ प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये दो अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यूं क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया परमेश्वर? कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र हैं दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस दो मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचड़ी पीढ़ी हंस नितर ही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र अभी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इसे पुण्य होता रहा, और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको आज जन्म होता हुआ आ रहा था, उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, यराधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद भिवानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे,
और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं, क्योंकि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से, और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है, परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था, ये दो अक्षर का, एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है, उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी, क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहब में लिख दी जावे और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के सिख, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा, वो गुरु ग्रंथ साहब से निकाल दी। और प्राण संघ जिनको पढ़ता ही नहीं, वो तो अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है, इसके लिए भी परमात्मा रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो प्राण संघ जी, उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और फिर सार नाम है वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं, यदि गुरु ग्रंथ साहब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ गए शिव दयाल जी और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है, और देख काल ने कीसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी वाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस दो अक्षर के नाम का जाप करा करते, अरे ये नकली कहे ये तो वहां बोलोगे बोलो पर ब्रह्म मरे पाछा बुक्की में प्रवेश करके उस शिव जाल जी ने मिल गया। इन पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवजाल जी के घर पे तुलसीदास आथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते, और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है, उनकी इनके माता पिताजी उनके शिष्य थे, किसके शिवदाल जी के माता पिता तुलसीदास आथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि पांचों नाम काल के जानो, आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र हैं। देखिएगा तो धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार ना जाई, और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया, इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथों का हाथ नहीं लग्या। ये नो क्यों दो अक्षर तो वहाँ मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो तुलसी साहिब आदर्श वाले की, ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग एक है ये। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं, भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब बाखा, छठवा नाम गुप्त कर रख्या। ये छठा नाम एक और है कि तो गुप्त रख्या। पांचों नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, ये कहते हैं सब सतनाम आदि ये काल के नाम हैं। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो पांच बखानी,
जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झकमारी। अब जीव वचन चौपाई, दानी सुनविद बात हमारी, हम चली जाव पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिद्धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, आदि नाम से काल को गिराऊंगा ढाऊंगा उससे निकल जाऊंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सत नाम और ये आदि नाम, ये तीन मंत्र हैं। सतनाम दो अक्षर का, आदि नाम यु सार नाम है, और ये पांचों नाम रंकार ओंकार ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है, और वो कह रहे हैं पांचों नाम काल के, और शिवदयाल जी का टाजो डैन पांच नामों पर, इन्हीं पर रटना लगा कर ये स्वयं पर भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय नामदेव साहेब जी के विषय में जानकारी दी कि ये दो मंत्र का जाप करते थे, फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहेब जी क्या कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। स्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहेब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनाम उन्होंने भी गुप्त कर रखा है। आदि गीसा साहेब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपुण्य आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और किसी कबीर पंथी का ये नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगन दिया, और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी है कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भागवाएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरु जी थे, किसके, इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहेब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं, ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं, एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग दो, ये कहाँ से छपी है, ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी, सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश से।
ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी प्रश्न नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था, मुझ दास का जन्म। तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपने आत्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम नभी सारे ने वहीं ले चलूंगा, भाई ठीक है, अपना कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में आपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है, इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती, तो भाई गणी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपने आत्माओं यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिवदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज्ड थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी, किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिवदृष्टि काम करती है, कर रही है, तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है, सब इतिहास आपके सामने रख दिया। और वो समय दूर नहीं क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, अब उससे आगे चल पड़े क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढ रहा, खोजा और आपके रूप रू करा दिया और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी, इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा, ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था गुजरात के अंदर,
इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने दो दो तीन तीन मंजिल के बना रखी थी कोठियां, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया और उसी के नीचे दब कर मर गए, कई कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो हम यहाँ से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं। मेरे पुत्र वो दू घना धन लियावेगी, अन्योना विरग दा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो और कहो तो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। अब एक कण पड़ा हो विष का और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से जैसे अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता है और मर जाता है। अनजान बच्चा बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा पड़ा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। तो ऐसे जब हम जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहाँ काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी लोट कसोट मंत्रियां तो के ऊपर ब्लेम लगे और जज होते ही के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहाँ जाएगी ये जनता। बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो तो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है आपके घर भर देगा माया से, जब यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मनते समर्पित होकर के आन उपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपये दान भी करें तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1956 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की जैसा गुरुजी ने बता रखा था, जैसा इनके शिवजाल जी हट करते थे ऐसा ये करें। फिर अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते, इन कोई और उठा कर धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। परमार्थी वचन संग्रह परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलित जल्द कर रखी इसकी। प्रकाशक है व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी कहे न तुलसीदास जी हैं और ये इनके गुरु जी हैं गोरेलाल जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्माण, ये कोई चैप्टर है पुस्तक है, इसकी अलग 9 की अलग जलद कर रखी है 157 पृष्ठ पर, यह देखना नीचे। प्रश्न, ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है अद्वितीय है, जो न बाल न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पुरुषंग है, न गर्भ में,
आकर जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहाँ देखो, अनाम है, अरूप है, अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, और तो ये दुख के में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, फिर इसके आगे क्या लिखते हैं, ये 242 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। अब 241 पर क्या लिखा है, ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बताऊं कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा, सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है, इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यूँ कह गए है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं, और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इसने इस इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहाँ भी मुरली बजे हैं। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीन 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है, सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाली वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते हैं, परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको 162 पृष्ठ पे, इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे, अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि सात रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क पर जाड़ता नजर नहीं आता है, मनमूत्र से भरी नालियां मोरियां भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में, यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिव लोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नज़ारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं, नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं। यहाँ देख रहा हूँ, अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाघ नजर आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहाँ बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये उड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं, जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित क्रीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं। करा के अड़ंगा देखा था, नौके नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं, और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण बटता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए, इनका अनुभव सारी उम्र खो दी इसने, और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहाँ चेतन ही चेतन है, सतलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है, और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल तरंग में, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है,
आम के बीज का भी अंकुर होगा, उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा वो भी फल उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सारनाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है, और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ बुक्की में बोला तो ये कित जाएंगे इन पांच नाम जपने वाले, अंडरस्टूड है। अपुण आत्मा आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो सात नाम का है। पुण्यात्मा हमारे चारों वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्रभु दत्त है। और जो हमारे पुराण हैं ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य ऋषियों के अनुभव और ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को मिश्रण करके इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। परमात्मा की जानकारी और वे ऑफ वर्शिप जो वेदों और गीता में है वो फाइनल है, उससे अतिरिक्त हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ओम तत् सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स, यही निर्देश है, फाइनल फैसला है, डायरेक्शन है इस तीन मंत्र के जाप करने की, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने की। अब यहां प्रसंग उठता है, कई श्रद्धालु कहते हैं कि भाई गुरुजी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो, अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए थे। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई, आपने आप पूजा तो कर रहे हो जल की कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा, और साधना क्या है उसके पाने की विधि। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की, सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए, मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम, ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टैंक पड़ी रखी। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कोई सह परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक पति भर्ता बेटी अपने पति के साथ रह रही है, जेठ भी है, देवर भी, देवरानी भी, जेठानी, ननद और सास ससुर भी है।
अब अच्छी लड़की जो होती है वो सबका यथोचित आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है, जेठ से, जेठानी से, भाई, देवर देवरानी से, आने वाले अतिथि से, ऐसा लगता है जैसे ये सबको अपना ही मान रही है। लेकिन वो पूजा अपने पति की कर रही है। जैसे एक सत्कार होता है और एक पूजा होती है, सत्कार यानी आदर होता है और एक पूजा होती है। सत्कार तो वो पति भरता सबका करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। और जिस समय वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अपने सभी वस्तु जो उसके हिस्से में आते हैं, एक चम्मच भी ना छोड़ना, जेठ और जेठानी के चाहे कितनी मीठी बोलना थी, कितना प्यार से रहती थी, और सब कुछ उठाकर अपने पति के साथ अपने कमरे में रख लेगी, क्योंकि वो अंतर से पूजा उसकी कर रही थी, उनसे मिलाप रखना अनिवार्य था, नहीं तो कड़े माच जा। तो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मुखिया हैं, इन तीन लोग के कुछ ये प्रधान बना रखे, एक एक विभाग के मंत्री हैं, और जो भी हमने लाभ लेना, जैसे कोई प्रधानमंत्री का व्यक्ति और स्टेट हरियाणा में रह रहा है, तो उसने जिस चीज़ की आवश्यकता होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से या मंत्री से बोलेगा, और वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि किस समर्थ से संबंध है इसका। ऐसे ही आप जी इस काल के लोक में रहोगे, आपको सुविधाएं तो यही देंगे। ये तो जब तक आप उस परमात्मा की शरण में नहीं हो, तो आपको वर्क डन ही देंगे, आपकी किस्मत देंगे, और जब समर्थ से संबंधित होगे जो मांगोगे वो दे देंगे ये। लेकिन कितना देंगे? परमात्मा के आदेश से, यानी आपके शुभ संस्कार बनेंगे, उन संस्कार के आधार से आपको फिर ये वो धन देंगे। देंगे यही, जैसे आप जी ने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ के विषय में जाना, और जैसे हम कोई आम का पौधा जमीन में बोएंगे तो जड़ की तरफ से जमीन में दबाया जाता है एक गड्ढा बना के, तो पूजा करेंगे जड़ की, हम टहनियों की पूजा नहीं करें, लेकिन फल लगेंगे टहनियों के। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा की सत साधना करेंगे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं का फल लगेंगे, और ये फिर फल हमने बिना मांगे देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल हमारी साधना शास्त्र अनुकूल है, हम पूजा मूल की कर रहे हैं। यदि हमने उल्टा यू पौधा गाड़ दिया, उसकी शाखाएं लगा दी जमीन में और जड़ कर दी ऊपर ने, और फिर उन शाखाओं की सिंचाई हम शुरू कर देंगे, तो पौधा सूख जाएगा। तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे हम मूल परमात्मा सतपुरुष को इष्ट रूप में पूजेंगे, और उसके पूजने के लिए जो भी मटेरियल, जैसे पूजा में खाद पानी जो कुछ भी है, ये सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे हम, लेकिन हमारा इष्ट रूप में कबीर जी रहेगा, तो उसके आधार से सत साधना से जो शुभ संस्कार बनेंगे। तो जब तक आप यहाँ हो, यहाँ की संसारिक सुविधाएं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से ही प्राप्त होंगी, उन टहनियों के शाखाओं का फल लगेंगे। इसलिए ये हमसे दूर नहीं हो सकते, हम इनसे दूर नहीं हो सकते, हम इनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम संत नहीं, लेकिन हम इनको पूज नहीं सकते। जैसे पति भर्ता का उदाहरण आपको दे दिया, वो पूजा जो अपने पति के प्रति समर्पित है वो किसी के प्रति नहीं हो सकती, और वो उसके दुश्मन भी नहीं है, अंडरस्टूड है। और जब हम यहाँ से चलेंगे, हमारे इनसे कोई लिंक नहीं होगा, अपने पति के साथ, अपने परमपिता के साथ हम शहर सतलोक चले जाएंगे। ये तरीका उस परमात्मा के पाने का, नथिंग एल्स। बोलो सतगुरुदेव, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।